लाइसेंस के मामले में कोई भी ऑनलाइन, और आने वाला समय मैं सभी डिग्री कॉलेज जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसके लिए विचार कर रहा हूं कि लाइसेंस का, बच्चों का लाइसेंस उनके कॉलेज में ही बन जाए, ऑफिस आने की जरूरत न पड़े। और ऐसे जनसेवा केंद्र जो देश के राज्य के अंदर 45,000 जितने हो जनसेवा केंद्र, आप लोग जो दलालों के चक्कर में फंसते, नहीं फंसना चाहिए उनको, अपने जनसेवा केंद्र से ऑनलाइन ले लेना चाहिए और जाकर टेस्ट और पेपर देकर अपना ये करना। अपने परिवहन विभाग में भी आज के डेट में कई राज्यों से मेरा करार हो चुका है, आने वाला समय जम्मू कश्मीर है से और पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ये भी करार होने वाला है, तो सभी राज्यों में मेरी बसों का संचालन होगा, और जिसके कारण यात्रियों का आना जाना, तो उसके आने जाने से क्या रहता है, व्यापार और बिजनेस रोजगार सब बढ़ते हैं। जैसे राजस्थान में लाइसेंस के लिए ऑटोमेटिक ट्रैक बनाए हुए हैं, तो अपने यहाँ कोई प्लानिंग है इसको लेकर? नहीं, कई जनपदों में, कुछ जनपदों में ट्रैक बन चुके हैं, बाकी हमने पॉलिटेक्निक में जहाँ पर जगह है ऐसे ITI पॉलिटेक्निक ऐसे ट्रैक बनाने का निर्णय और बजट भी जारी कर दिया। आगरा के लिए लगभग सभी महानगरों में ऑटोमेटिक परिवहन, और देश के अंदर पहला परिवहन विभाग है जहाँ प्रॉफिट पे चल रहा है।